दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का दंश देखा है, लेकिन परमाणु प्लांटों में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। 26 अप्रैल 1986 को भी यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 1.25 लाख लोग मारे गए थे। इस हादसे का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अभी तक चेर्नोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई है। यहाँ रहने वाले जानवर भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसलिए जरूरी है ये जानना कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और कैसे यूक्रेन ने खुद को उबारा इस घटना से। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी आर रिएक्टर एक्सीडेंट के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पावर प्लांट में होने वाले एक रेगुलर टेस्ट को गलत तरीके से किया गया था। इसके बाद प्लांट में हुए दो बड़े विस्फोटों ने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। प्लांट में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौत हुई। वहीं आने वाले महीनों में रेडिएशन के चलते 28 और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रेडिएशन के चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो उनकी मौत की वजह बना। चेर्नोबिल की घटना ने लोगों के बीच न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को उजागर कर दिया, साथ ही सोवियत संघ की सरकार की विफलता को भी उजागर किया। सबसे पहले ये जानते हैं कि चेर्नोबिल कहाँ है। तो ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 80 मील नॉर्थ में बना हुआ है। उस दौर में प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों को रहने के लिए न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से शहर प्रिपेयर्ट को बसाया गया था। यहाँ पर प्लांट में काम करने वाले लोग रहा करते थे। चेर्नोबिल पावर प्लांट के निर्माण की शुरुआत 1977 में हुई थी। इस दौरान यूक्रेन सोवियत संघ यानी USSR का हिस्सा था, लेकिन 1983 तक 4 न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो चुका था। आने वाले सालों में 2 और रिएक्टर को तैयार करने की योजना बनाई गई थी। सारे काम सही से चल रहे थे, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को 1:23 पर प्लांट की बिजली गुल हो गई। इसके बाद दिन में इस बात की जांच के लिए एक टेस्ट किया गया कि क्या बिजली चले जाने की वजह से प्लांट के इमरजेंसी वाटर कूलिंग सिस्टम काम करेगा या नहीं। लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही रिएक्टर नंबर 4 में अनकंट्रोल्ड वेपर यानी भाप के रूप में प्रेशर बनने लगा। भाप के इस दबाव के चलते रिएक्टर की छत उड़ गई। इससे रेडिएशन और रेडियोएक्टिव मलबे का गुबार बाहर निकलने लगा। 2 से 3 सेकंड के बाद ही एक दूसरा धमाका हुआ और एक्स्ट्रा फ्यूल बहने लगा। रिएक्टर नंबर 3 की छत पर आग लग गई और अब प्लांट में खतरा मंडराने लगा। ऐसी दुर्घटना के समय ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को काम करना होता था, लेकिन टेस्टिंग की वजह से इसे भी बंद कर दिया गया था। अब ब्लास्ट तो हो गया, इसलिए घटना के तुरंत बाद ही दमकल कर्मी यानी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने में लग गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस दौरान उन्होंने रेडिएशन से बचने वाले सूट भी नहीं पहने हुए थे। इसी कारण रेडिएशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में ज्यादातर फायर ब्रिगेड के ही लोग थे। इस ब्लास्ट को करीब से देखने वालों ने बताया कि जो दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे, उनका कहना था कि रेडिएशन उन्हें मेटल के स्वाद जैसा लग रहा है, साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुइयां चुभती महसूस हो रही है। सुबह 5 तक रिएक्टर नंबर 3 को बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद रिएक्टर नंबर 1 और 2 को भी बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किया। कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रिएक्टर की छत पर उतार दिया गया, साथ ही रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी छिड़का गया। लेकिन तमाम मेहनत के बाद भी करीब 2 तक रिएक्टर में आग लगी ही रही। 1 बाद ही आग को पूरी तरह से बुझाया जा सका। अब अगर बात उन कारणों की करें जिससे इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, तो जांच की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कारण रिएक्टर के डिजाइन में भारी गलती थी।
इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रोड होता है, इस रिएक्टर के कंट्रोल रोड में भी कमियां थी। कुछ और कारण में डिफ्यूजन में पैदा होने वाली गर्मी को काबू करने के लिए रिएक्टर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण पानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोख लेता है ताकि पूरा प्रोसेस कंट्रोल से बाहर ना हो। इसी कारण पानी के अंदर भाप का बुलबुला बनता रहता है। लेकिन आमतौर पर अभी जो रिएक्टर का डिजाइन होता है उसमें व्यवस्था होती है कि भाप का बुलबुला ज्यादा बनने पर डिफ्यूजन का प्रोसेस कम हो जाए। लेकिन चेर्नोबिल वाले रिएक्टर में यहाँ पर एक कमी थी, उसमें बुलबुले के ज्यादा होने पर डिफ्यूजन की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। दूसरी तरफ उसके कंट्रोल रोड में भी कमी थी। आपको बता दें, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर डिफ्यूजन की प्रक्रिया से एनर्जी पैदा होती है। इस प्रक्रिया में नए न्यूट्रॉन बनते हैं, जिस कारण एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक्स्ट्रा निकलने वाले न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो जाएगी और एनर्जी भारी मात्रा में पैदा हो जाएगी, जिसे रिएक्टर में भयंकर विस्फोट होने से रोका नहीं जा सकता है। दुर्घटना के बाद जांच में यह पता चला कि कंट्रोल रोड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ था। इससे रिएक्टर के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस काबू से बाहर हो गया, जिससे तेजी से भाप बनने लगा और रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े समय के अंदर ही दो पावरफुल विस्फोट हुए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फैल गए। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली रेडियो एक्टिव फ्यूल के यानी आसान भाषा में यूरेनियम की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गई, जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फैल गया। उस हादसे के 25 साल बाद 2011 में यूक्रेन में प्रिपियत और चेर्नोबिल के कुछ इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया। इंसानों के छोड़े गए इस इलाके में कुदरत ने इन सालों में नई बसावट तैयार कर दी। रेडिएशन से झुलसे और भूरे पड़ चुके पेड़ों पर जिंदगी की चहक सुनाई देती है। पेड़ पौधों पर अब भी असर दिखता है, उनकी लंबाई कम ही रहती है, लेकिन जंगली सुअर, भेड़िए और घोड़ों की कुछ नस्लों ने वहां अपनी बस्ती बसा ली। प्रिपियत के खंडर हो चुके घरों, अस्पतालों, कारखानों, कल्चर सेंटरों और अम्यूजमेंट पार्कों की वीरानी के बीच सोवियत प्लानिंग की झलक आज भी दिख जाती है। प्रिपियत शहर को डिजाइन करने वालों ने सोचा था कि वे आने वाले दिनों के लिए एक नायाब चीज गढ़ रहे हैं। वक्त ने उसे खास तो बनाया, लेकिन बेहद खेदजनक तरीके से। इसलिए इंसान की तरक्की जिस रास्ते पर बढ़ रही है उसमें अब इंसान को इतना प्रिसाइज होना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं के लिए कारण ढूंढने का समय नहीं मिलेगा। आपका न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।